क्रेजी है तो क्रेजी, काफी बढ़िया लैंडस्केप है। तो गिर और गए, चोट लग गई। वेरी वेरी बिग कॉक्स ऑफ सुम्बा। ओके, सी यू विंसेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हम बैठ गए हैं ट्रैवल कार में जो हमको ले जाएगी वाइंगापू। तो आई थिंक 4 घंटे लगेंगे। 4 जाम तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। दिल में सवाल बड़े, पिछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले चाहते सारे चाल चले। थप्पड़ ये गाल पे, इंडस्ट्री पूरी पाल तेरे, नया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छाप तेरे। ये मुर्गा है, वो कुत्ता है, कुत्ते से बड़ा मुर्गा है। ये अपना ढाबा है, बाहर आंटी आंटी कुछ बेच रही है। वही सिंपल सा जैसे इंडिया में छोटे गांवों में अभी भी होता है ना, वैसा ही है। तलवे मेरे चाट तेरे, पैसा नहीं वो दाद दे रहे, देखे नहीं हालात मेरे यारों ने जो ख्वाब देखे, पूरे करूं आज अब इस हाथ में वो आग बैठे, पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बैठे। सुबह ही होम स्टे आ गए हम, कितना है, 1500 रुपये है। एक और झांटू कमरा, साउथ इंडियन फिल्म देख रहे हैं यहाँ पे। Yeah, वो लव इंडियन मूवी। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। ये है वाइकिरी बीच, जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया पाम्स है, बट इट इज मोर फेमस फॉर की जो ट्रीज है, मैनग्रोव। मुझे तो लगा था कि काफी क्रेजी सा कुछ होगा। तो काफी जनता फोटो खिंचा रही है। ये वाला लग रहा है मेन पेड़। कल हम आ गए थे वाइंगापू, होटल मिल गया था, फिर रात को कुछ खास किया नहीं, वो मैनग्रोव वाली जगह चले गए थे विच इज क्वाइट पॉपुलर, बट राइट नाउ नॉट द राइट सीजन। ऑल्सो मुझे पता चला कि अभी काफी सारे मैनग्रोव ना बह गए, क्योंकि वो छोटे छोटे से पेड़ होते हैं ना, और लोगों को सेल्फी लेनी होती है या फिर फोटो खिंचानी होती है तो लोग उस पर चढ़ जाते थे, तो वो टूट गए। उसके बाद यहाँ से एग्जिट प्लान देखना था, क्योंकि 2 फेरी चलती हैं, वो भी आईमेरे की, जो है ही नहीं मेरे मैप में, मुझे उस साइड जाना ही नहीं था, बट किस्मत ने साथ दिया, मुझे लबुआन बाजो की फेरी मिल गई, विच इज़ लाइक अ स्पेशल फेरी जो आज की रात ही है। तो आज की रात हम निकल जाएंगे, होटल वाले को बोल दिया कि टिकट अरेंज कर दे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक वाटरफॉल, वाटरफॉल का नाम है आयरे टेंगाड़ा। तो लेट्स गो टू आयरे टेंगाड़ा। तो ये सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें गियर होते हैं, क्लच नहीं होता है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप एक हाथ से चला सकते हो, क्योंकि दोनों ब्रेक आपकी राइट साइड में, और एक हाथ से फोन पकड़ सकते हो, जस्ट लाइक दिस। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ। क्या है, क्या ये जम कर रहे हैं, देखो छोटे छोटे झींगुर हैं, देखो। ओ, पूरी रोड पे झींगुर जम कर रहे हैं, बहुत सारे, लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। बसर करते हैं तेरे दिल में बम्पी रोड, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। क्रेजी है तो क्रेजी, बहुत ही काफी बढ़िया लैंडस्केप है, तो बहुत ही अलग है। दिस इज सिमिलर टू द चॉकलेट हिल्स इन फिलीपींस, आई हैव नेवर बीन टू फिलीपींस। और थोड़ा थोड़ा ये जुकू वैली वाला, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो आ रहा था वाटरफॉल के लिए, बट ये तो बहुत ही बढ़िया व्यू है। स्कूटी की जब बाइक होती कितनी बढ़िया फोटो आती, सिनेमैटिक फुटेज लेते हैं थोड़ी।
सही है, टिकट ले लिया। टिकट है वाटरफॉल का 25,000 का और पार्किंग है 10,000 की। 35,000 कितना हो गया? 190 रुपये। तो लेट्स गो। सही है, मोटर बाइक के लिए पेव्ड रोड है वहाँ। आई थिंक उन्होंने कार पार्किंग बना रखी है। घोड़ा आ गया, घोड़ा। लोग तो जा रहे हैं वाटरफॉल पे। गिर और गए, चोट लग गई। तो सही है, काफी ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ तो। बढ़िया पाथवे बना हुआ है, यहाँ से थोड़ा वॉक करके जाना है। और टूरिस्ट लोग तो हैं, मोस्टली लोकल थे, एक आध इंग्लिश बोलने वाला भी था। ऐसा नदी सी बन रही है और उधर से आ रहा है वाटरफॉल। बढ़िया लग रहा है वाटरफॉल तो, वेरी नीट एंड क्लीन। वही यहाँ पे भी बहुत सारे कास्केड्स बने हुए हैं। तो ये ऊपर से आ रहा है एक वाटरफॉल, उधर से एक वाटरफॉल, इधर से, इधर से, और फिर ऐसे नदी बन जा रहा है। थोड़ा तो स्लिपरी है इन चप्पलों में, और आज सही नहीं चल रहे ग्रह। वाह, दिस लुक्स लाइक अ नाइस स्पॉट, वेरी ब्यूटीफुल। ये वहां से ऐसा है वाटरफॉल, उधर जा रहा है। इन्फिनिटी स्विमिंग पूल टाइप लग रहा था, बहुत बढ़िया। There ain't no love like our love. There ain't no love like our love. सही है, बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल। और राइड यहाँ की बहुत बढ़िया है, मतलब रास्ते में जो पूरा लैंडस्केप था, और रोड रोड भी सही है, ऐसे बम्पी नहीं है। इट्स अ बम्पी रोड। आखिरी वाला स्ट्रेच थोड़ा सा खराब है, वहाँ मैं गिर भी गया। कपड़े लेके आते नहा भी लेते, बट ठीक है, इतना शौक नहीं हमको नहाने का, जैसा कि मम्मी डांटती रहती है। सीढ़ियाँ भी बनी हुई है फैंटास्टिक। पहले आई थिंक ट्रैक था जो मैं रिव्यू वगैरह पढ़ा था ना, बट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स ऑफ सुम्बा, तो सीढ़ी वीडी बन गई है। ऐसा लग रहा है यहाँ से रोल कर जाओ, सो नाइस। काफी सुंदर है, काफी सही है, मतलब मुझको ये बड़ा सही लगता है लैंडस्केप। यहाँ पे आइसलैंड की याद आ गई, तो अलग अलग कंट्रीज की याद आ गई थी। आगे एक स्ट्रेच है जहाँ पे पेरू की याद आई थी, उससे पहले ईस्टर आइलैंड की याद आ गई थी। तो सही है, ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग राइड, मजा आया, मजा। मैं कसी टिकट ले लिया हमने, लबुआन बाजो की टिकट ले लिया। यहाँ 7 बजे जाना है, 9 बजे की फेरी है, सुबह 9 बजे पहुँच जाएगी 12 घंटे की, तो हालत ख़राब हो जाएगी। फेरी है लगभग 1.5 लाख की, विच इज़ 800 रुपये, 850 रुपये। यहाँ पे अलग अलग आइलैंड के, ये लेक बाली का है, ये काली मंथन का है, 800 रुपये का रिचार्ज हुआ है 12 GB का, विच इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट यही हो पाया है। हेलो फारिक, आई एम इन, हेलो फारिक्स ब्रदर, आई एम इन वाइंगापु and it has been a good week in Sumba, and Farik has been very helpful. He has helped me with that ferry ticket to Labuan Bajo, and Farik is a good man and you are also a good man. Yo man, take care, life is enjoy. Yeah, tolo tolo. Yeah. So in log entertainment hi chalta rehta hai, jitni bar main inke office aata hu ye mujhse kuch hindi mein ya english mein bulwa lete hai ki aao tum bolo, तो इनका ये एंटरटेनमेंट ही चले जा रहा है। काफ़ी लेजेंडरी फ्राइड चिकन, वेरी सिमिलर टू KFC। क्या ही चिकन फ्राई कर रहे हैं, मतलब दिस इज
बेटर देन केएफसी। काहे कि केएफसी की रेसिपी इतना ज्यादा सेम था ना टेस्ट, और साथ में सांभर भी था, और यहाँ का चिकन मच बेटर, इट्स नॉट फ्रोजन, मच बेटर चिकन, क्योंकि यहाँ का चिकन तो कुत्ते से बड़ा होता है, बहुत ही जूसी, वाओ मजा ही आ गया। लबुआन बाजो गो वेट ओके ओके 9 ओके 8 o'clock भाई, इट्स ऑलरेडी 8। काफी भीड़, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे भैया कैंडी क्रश खेल रहे हैं, बड़ा ही कंफ्यूजन है, काफी भजड़ है। टिकट काउंटर वाले से पूछा तो उसने डांट दिया, कहते खड़े रहो वहीं, सब वेट कर रहे हैं गेट खुलने का, बट ये मोस्टली 11 बजे वाली फेरी वाले हैं। नौ तो बज गया, समझ नहीं आ रहा अभी भी, छूट ना जाए फेरी, बच जाएंगे नहीं तो यहीं 4-5 दिन। 10 बज गया है, समझ तो नहीं आ रहा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है 11 बजे वाली जो फेरी है आईमेरे की उसमें बैठा देंगे मुझे। 11 बज गया, अब बोला अंदर जाओ, अभी तक आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन सी फेरी है, मुझे लग रहा है कि ये फेरी जाएगी आईमेरे, सुबह उठ के ही पता चलेगा, अब लग रहा है। लबुआन बाजो, अच्छा तो यहाँ पे ये हुआ है कि हर फ्राइडे चलती है फेरी आईमेरे की, बट इस फ्राइडे जा रही है लबुआन बाजो की, और इस फ्राइडे वाली आईमेरे की जा रही है सैटरडे को, तो उस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है, और उस वजह से मुझे लगता है कि लोग काफ़ी कम है। वाओ यहाँ पे बैठना कहाँ है, सफाई हो रही है, जो गोबर उबर की बदबू आ रही है, गैया या लेके आए क्या ये, मुझे तो लगा कि अरे भाई साहब बहुत ही बुरा हाल है। बाय बाय सुम्बा आइलैंड, बट ठीक है, बोट इज नाइसर देन आई थॉट, चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, तो मैं तो इमेजिन किया था कि जमीन वमीन बैठ के जाना पड़ेगा। 12:30 बज रहा है और फाइनली अब जाके फेरी चल रही है, गुड नाइट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलामत पेगी, हम हैं नाव में, पर ऊपर जाके देखते हैं क्या हो रहा है। अरे यहाँ तो पार्टी का माहौल है, ये है कोमोडो आइलैंड और ये है पटार आइलैंड, यही पे आना है। सही है, अभी आई थिंक 1.5-2 घंटे वाला लगेंगे। बेसिकली कल क्या हुआ कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ था ऐसे, तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सारे लोग गायब हो गए, मैंने कहा भाई ये लोग कहाँ गए हैं, तो फिर यहाँ पे एक वीआईपी रूम था, तो मैंने सोचा कि भाई वीआईपी रूम में देखें कि क्या हो रहा है, तो हम वीआईपी रूम में गए, और वीआईपी रूम में शानदार बेड लगे हुए थे, फिर वो भाई ने 25,000 और लिए, विच इज 130 रुपये, और हम बढ़िया सो गए, और ऐसा सोए कि रोज 5 बजे उठते हैं, आज 5 बजे नहीं उठे। ये है पटार आइलैंड, वो है कोमोडो आइलैंड, इसके पीछे है फ्लोरेस। पाउडर वाली कॉफी का समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। फेरी पर सर चबंग कुपंग, नाकोड़ा दा नानक बुआ कपाल मंगोचापकान। 11 बज गया, 11 घंटे नाव टाइम और 14-15 घंटे ट्रैवल टाइम, क्रेजी, इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल, वेटिंग टाइम हटा दो तो सही था, इतना फाइट तो नहीं थी। यहाँ तो काफी मॉडर्न हिसाब किताब लग रहा है, एक हफ्ते के बाद तो थोड़ा चाहिए। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो घुसते ही स्टारबक्स है, तो कि मतलब कि काफी डेवलप्ड है, पोर्ट में घुसते ही स्टारबक्स है, तो ओह केएफसी भी है, क्रेजीनेस।